और आज हम दो तरह की बिरयानी बनाने वाले हैं। हाँ, अंडा और वेज। तो ये अपन कर रहे हैं क्या, लेयरिंग। पहले नीचे सब्जी बिछा दी, अब उसके ऊपर राइस। टाइम आ गया है प्लेट निकालने का और बिरयानी रिवेल करने का, क्या बोलते? पूरी और इतनी खतरनाक आलसी जागी कल, तो मतलब कैमरा ही उठाना भूल गया। आज ये दूसरे दिन अपन शूट कर रहे हैं, क्या है ना, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्टिविटियाँ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो चीज़ पसंद आ रही है लॉकडाउन में अपन वो दिखाएं। इवेंट, ट्रेवलिंग, फलाना ढिमका, ये सब जो है ये सब शुरू होने में अभी तो टाइम है। एज यू नो, कंटेंट क्या बनाए, कंटेंट इसीलिए हमने पांचाल के पकवान की सीरीज स्टार्ट की। थंबनेल और नीचे लिखा हुआ नाम ताम और ताम झाम पढ़ के तो समझ में आ ही गया होगा कि आज क्या बनाए। तो आओ ज़्यादा देर ना कर, चालू करते हैं अपन। और अभी मैं आया हूँ घर की छत पे। छत का मतलब घर का ये वाला पार्ट अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाया होगा। कुछ इस तरह से हरी भरी सी छत है अपनी। मम्मी ने काफ़ी सारी सब्जियाँ वगैरह भी लगा रखी है, जैसे ये देख रहे हो आप, तोरई, गिलखी या आपकी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं बता देना, जिसमें थोड़ी थोड़ी आ भी रही है। ये देखो पुदीना लगाया हमारे यहाँ, हरी मिर्ची, पुदीना, नीम, कद्दू काफ़ी बड़ा लगा है मेरे को, अभी उस दिन तोड़ के लाए थे। तो साइड में यहाँ कहीं फ़ोटो आ रहा होगा, ये फ़ोटो आ रहा होगा। फ़ोटो से आप पता लगा देख सकते हो कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कद्दू का झाड़ कौन सा है, बट ये हमारी छत का ही कद्दू है। सो फॉर सो गुड, है ना। माली वाली आता है मेंटेन करने इसको, पर पुदीना कौन सा है मेरे को तो यही नहीं पता। हाँ ये पुदीना है, दिस इज पुदीना, देख रहे हो पुदीना हमारे यहाँ। अब ये किसी, ये रहा, मिल गया। देखो सी कद्दू, देख रहे हो आप कितना बड़ा है। हेलो तो बोल दे यार, नहीं बोलेगी, इतना उदास होके हेलो क्यों बोल रही हो आज तुम? दिल में कोई फांस और कोई बात छुपी हाँ। पड़ी है क्या, बताओ? तुम मुझसे एक रायते के लिए झगड़ रहे थे। भाई मैंने झगड़ा नहीं किया, मैंने ये बोला कि बिरयानी के साथ रायता होना जरूरी है। आप लोग क्या बोलते हो बताओ? तो अभी ये क्या किया है बता तो दो। मैंने अभी सब्जियां मैरिनेट की है, आलू गोभी, शिमला, गाजर, मटर, ये सब मैरिनेट किया है। मैरिनेट कैसे किया है? दही से मैरिनेट, दही और कुछ मसालों के साथ उसको मैरिनेट किया है, नमक मिर्ची और थोड़े से ऐसे। और यहाँ हो रही है प्याज ब्राउन, क्योंकि ये लच्छा ऊपर से डाल के खाने में और अंदर जो फ्लेवर बनाता है ना उसका मजा ही कुछ और है। और आज हम दो तरह की बिरयानी बनाने वाले हैं। हाँ, अंडा और वेज और मैंगो कुल्फी। हाँ। डेजर्ट में मैंगो कुल्फी, ये कुल्फी का, तो मैंगो कुल्फी का सारा तैयारी करके रख दी है। मैंगो रिड्यूस कर दिया है, उसमें पिस्ता और इलायची डाल दी है और ये मैंगो अंदर से खोखले कर दिए गुठली निकाल के। अब इसके अंदर दूध भर के इसको जमा देंगे और फिर इसको छील के हाँ और ऐसे स्लाइसेस काट लेंगे। देख रहे हो तैयारी, नेचुरल मैंगो कुल्फी। क्या है, सारी चीजों की प्रिपरेशन करते हुए अगर दिखाते हैं ना तो हो जाता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा। अच्छा यहाँ पे अभी एक बात निकल के आई कि मैंगो के अंदर से ये गुठली निकालने का जो लफड़ा है ना, ये देखो जैसे ये गुठली बाहर की है, तो ये एक ट्रिक है। कमेंट करके बताओगे या इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे जाके पूछो क्वेश्चन, बताया जाएगा बराबर डीएम में। पतले महीनों वाले चाकू, अरे एक और कद्दू इतना बड़ा हो रहा है यार। अच्छा इतना बड़ा कद्दू हो रहा है वो कह रहा इतना बड़ा होगा। हाँ अच्छा बड़ा, अभी तो हरा ही नहीं हुआ है। अब ये जो हमने कम किया है दूध रेडी, ये पहले बोल ले फिर मैं बोल। जो रबड़ी बनाई है हमने आइसक्रीम जमाने के लिए, वो अभी हम ये जो खोखला किया है ना इसके अंदर इसको भरना है। और आम ऐसे टिकेगा नहीं, इसलिए व्यवस्था कुछ ऐसे स्टैंड की गई। इसके बाद इसको ऊपर से अपन पैक करेंगे
सिल्वर फॉइल से। वैसे तो इसके अगर आप काट रहे तो ढक्कन भी लगा सकते हो आम के ऊपर के पट्टे, अगर उतने एक्सपर्ट हो आप काट के लगाने में तो। ठीक है, अभी हमारा भी पहला ट्राई है, तो दोस्तों आप लोग एक बार ट्राई करके देखो घर पे और कमेंट करके बताना कि कैसा बना आपका भी। ठीक है, क्या डाला अभी है? अनियन, गार्लिक और जिंजर। ग्रेवी तो करनी पड़ेगी ना सब्जी को। ओके, तो वो ग्रेवी देन राइस लेयर वो वाली बना रहे हैं अपन, मतलब प्रॉपर ऑथेंटिक बिरयानी ही बनेगी। पुलाव नहीं है, बिरयानी है। पसीना बहुत आ रहा है भाई, कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार तुम लोग के, मतलब फैन वैन। मटन नहीं डाला खाली तो क्या हुआ? मटन मटर डाल दिया हमने, मटन नहीं डाला क्योंकि मटन हम खाते नहीं है। तो बिरयानी तो होती है, पुलाव और बिरयानी में अंतर होता है। मैं क्या बोलता हूँ, वेज जो है ना उसको बिरयानी की कैटेगरी से हटा दे। क्यों? क्योंकि वेज बिरयानी जैसा कुछ नहीं होता। होता है, आप अगर उसको प्रॉपर बिरयानी स्टाइल में ही बनाओ ना, खाली मटन से ही उससे क्या होता है? मटन से उससे कुछ नहीं होता है क्योंकि अपन तो मटन खाते नहीं, अपने को क्या पता कुछ होता है। लेकिन हाँ, ऐसा नॉन वेज वाले लोग बोलते हैं। और बिरयानी होती है दो टाइप की, एक नॉन वेज बिरयानी जिसमें मटन होता है और एक नॉन वेज बिरयानी जिसमें चिकन होता है। क्योंकि देखो वेज बिरयानी कोई चीज ही नहीं है। उनके पास क्या है? मटन। अगर सी फूड को हटा दो तो वैरायटी खत्म है उनके पास। और सी फूड में भी मैक्सिमम बहुत से लोग बहुत सारी चीजें नहीं खाते हैं। नहीं तो सी फूड में बेसिकली क्या है, इतनी सारी स्पीशीज अवेलेबल है इसलिए वैरायटी है। रेस्ट मुर्गे की कोई क्वालिटी नहीं है, एक कड़कनाथ और एक ब्रॉयलर के अलावा, और बकरे की तो कोई क्वालिटी है ही नहीं, बकरा तो बकरा ही है। ये सब्जी इसमें डाली और इसको ऐसे करके बना डाली। वहाँ पे लड़के की चल रही है डांस क्लास। डांस क्लास चल रही है ना? डांस क्लास चल रही है ना तेरी? वैसे हमारे पास ये रखा है, वैसे ये है भूरा मटन, पर कुछ लोग कुछ जल गुघले अब इसको कटल कहेंगे। ओके, बेसिकली हम क्या है, दो तरह की बिरयानी प्रिपेयर कर रहे हैं। एक हो रही है हमारी बिरयानी जो है कि एक वेज है जो कि आलू से बनेगी, नहीं, मतलब आलू सब्जियां सारी रहेंगी बट आलू उसमें मेन रहेगा। नहीं ना, ये तो सब्जी अलग बन रही है आलू की। ये अलग बन रही है सब लोगों के लिए, और नहीं तो पोपट हो गया। मिलते हो गई बेइज्जती भाई। कोई बात नहीं, तो दो बन रही है, एक बन रही है अपनी वेज और एक बन रही है अपनी अंडे की। हमें पसंद है, हमें खाना है। ओके, तो ये बना ली भुर्जी हमारी, इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं। काजू, किशमिश और बादाम तली गई है जो कि बिरयानी है तो ड्राई फ्रूट होना बहुत ज़रूरी। पीस के ग्रेवी बना लेना, मेरा ये कहना है। ओके, तो बेसिकली ये अब जो तैयारी हो रही है अंडा बिरयानी की हो रही है, और ये पूरे को अपन पकाने के बाद, सारे मसाले पकाने के बाद अंडा बिरयानी का मसाला इसको पीसेंगे और ग्रेवी का बैड बनेगा। मतलब चलो आगे चल के दिखाता हूँ, अभी सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में नहीं आया। काजू डाल दिए, पानी की ये इसमें डालो मठा, क्योंकि हमारे पास दही नहीं है मैरिनेशन के लिए, अब हम ऐसा मठा डाल के मैरिनेशन का फ्लेवर देंगे। ये डाल दिया हमने मठा, अब इसको हम पकने देंगे जब तक ये सारी सब्जियां जो है, मतलब टमाटर प्याज वगैरह ये जो है ये, हाँ ये डालो ना, ये गल ना जाए जब तक। क्या लगता तैयारियां? एक करी, एक बिरयानी खाएगी। टोटली वेजिटेरियन, तो वेज वाली भी बन गई है, वेज वाली भी बनी है। वैसे भी आज आप दुबली लग रही हो, खा के जाना जरूरी है। आप ऐसा कुछ बनाए करें घर में तो इम्पोर्टेंट नोट क्या है, टाइम टाइम पे गैस टैंक भी साफ करते रहे। हाँ। मम्मी की सीख काम आ रही है। हाँ। जी हम इसमें निकाल रहे हैं आराम से। भैया ऐसा है, कैसा है? ऑफ कैमरा बात करनी है। अच्छा, ऑफ कैमरा। ये अपन ने इसको कर दिया, अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद पीसेंगे, नहीं तो क्या होगा, उछल के मुंह पे आ जाएगा और तुम हो जाओगी मुंह जली बुआ।
दिल जले भूपा मुंह जली भूआ। तो ये अपन कर रहे हैं क्या लेयरिंग लेयरिंग कह लीजिए, सब्जी बिछा दी अब उसके ऊपर राइस फिर सब्जी बिछाइए ना। तो लड़की ने कर दी यहाँ गड़बड़, क्या करी अपने मुंह से बकान करो अपनी गड़बड़ का। मैंने ओवरफिल्ड कर दिया सब मामला, गले गले तक भर दिया। इस स्पेशल केस में हमें हमारे ऑफिसर दया को बुलाना पड़ेगा जो दरवाजा तोड़ेगा अब इसका और इसको सेट करेगा। दया दरवाजा तोड़ो। अरे मैया री दया तो डार्लिंग रहता है। क्या कर रही है लड़की, सब भूल रही है क्या जीवन में? ये केसर गोली ड्राई फ्रूट्स ऊपर से। तेरे से तो सवाल पूछता रहता हूँ, अब ओनिला जी से पूछा जाएगा आज का सवाल। ओनिला जी, जब अपन इसमें दम लगा देंगे तो आपको क्या लगता है ये अंदर ही अंदर गाना गा सकती है? हाँ, दम लगा के आई जा दम मारो दम। अभी क्या है रट्टा, अगर आपके यहाँ ये मिट्टी का बर्तन होगा ना तो ये अमेजिंग हो जाएगा, मतलब टेस्ट जो है ना वो 4-5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या बोलती है पब्लिक? बिल्कुल बिल्कुल। इतना इतरा के क्यों बोल रही है, नॉर्मल बोल सकती है। हमारा मन आ गई अपनी दया, अब ये तोड़ेंगे दरवाजा, ये तोड़ेंगे दरवाजा, लगाएगी दम, दम लगा दम लगा लगा रे। बस ये आटे से हम ऐसी लेयरिंग करके इसकी और इसको दम लगा देंगे इसमें। दरवाजा लगा रहा है दया टाइट करके जैसा। दया बहन जी ग्रेवी हमारी पिस गई, हमारी वेज बिरयानी को दम लगा के स्लो आंच पे इस तरह से रख दिया है दम लगने। और ये वाली जो हमारी ग्रेवी है इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें तेल ऊपर ना आ जाए, एज ऑलवेज हर ग्रेवी का रूल। तो भाई इसमें आपका चिपके नहीं, अंदर नीचे की लेयर जो है वो चिपके नहीं, इसलिए अपन इसमें घी की एक लेयर डालते हैं। इंतजार है, ये वाली गई है और वो वाली अब पकने पे डाल दी है। तो अब यार इतना सारा इंतजार कर लिया तो 2 मिनट आप मेरे लिए कुछ घंटों का इंतजार है, आपके लिए कुछ सेकंड्स का। प्लीज यार कुछ सेकंड इंतजार कर लो आपके लिए, तो यूं करके एक करूंगा मैं और बिरयानी तैयार एकदम भूख। तो टाइम हो गया इसको निकालने का और ये हो चुका है तैयार, कड़क हो गया आटा और निकल रहा है। आ गया है प्लेट निकालने का और बिरयानी रिवेल करने का, क्या बोलती है? ओहो देख रहे हो जबरदस्त बनी है, जबरदस्त। कैसी लग रही है बताना, खुशबू बता रही है। बुरा नहीं रहता, वैसे मैं बना नहीं रही हूँ, बना नहीं रही हूँ पर बुरा नहीं रहता, अच्छा लगता है। हाँ। नोटेड डाउन है, बुरा नहीं रहते कि आप रेसिपी निकाल सकते हो, अपने पास तो है नहीं क्योंकि बुरा नहीं रहता बनेगा नहीं, है ना? नहीं अभी ठीक है, बुरा नहीं रहता अच्छा लगता है पर बुरा नहीं रहता बनेगा, फ्लेवर होता है। ठीक है चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ बन रहा है अब रायता, जिसके बिना बिरयानी अधूरी है और रायता ना हो तो रायता फैल भी जाता है। फैला तो लिया ही था किसी ने।
पुदीना। अरे अपने बहुत छत पे इतना लगा हुआ तो लेना तो भाई रहा है। हाँ तो मैं चला आया हूँ। पुदीना धनिया की चटनी कैरी डाल के। हाँ 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 लेके आया हूँ, रुक जा। ग्रीन चटनी मस्त। चुपके से आ भी जाओ मेरे प्लेट के जज्बातों, तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, नशा है तेरी चटनी कांदों के प्यालों में। मन यहाँ अंदर तक भरने के बाद, तृप्ति होने के बाद कुछ जहन में आता है ना, तो उसको हम कह सकते हैं पता है क्या, नींद। छोटी सी नींद कंप्लीट करके मिलते नहीं है। इस ब्लॉग को अपन रखते हैं बस इतना ही। अगर ये ब्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो लाइक डिसलाइक के बटन दबा जाना चाहिए। दिस इज फोर्थ एपिसोड ऑफ पांचाल के पकवान और आज के रखते हैं बस इतना ही। दिस इज मी लगी साइनिंग आउट विद द टिडबिट टॉक्स मतलब पांचाल के पकवान। एक्चुअली चले जाए इजाजत देते हो क्या? हम जो कह रहे हैं उसका कहने का मतलब ही यही है कि इजाज़त दे दो तो हम जाएं। और हाँ, यही टब है, यही बाथरूम का वो सीन है जो अपन ने इंस्टाग्राम पे फोटो में रिवील किया है, जाके फॉलो करो और जो दिल में है वो करो।